जन्म की ली है, जीवन की भी है, इन्हें कुछ नहीं पता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बहुत गर्म है। इतना गर्म कि बातें चिलमन से लेकर चिलम जीवी तक हो रही है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कहीं पक्ष विपक्ष पर तंज कसते नजर आता है तो कहीं विपक्ष पक्ष पर। और ऐसी ही जो तस्वीर है वो लगातार देखने के लिए मिल रही है, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो ओवैसी हो। भाषा एक ही है, चेहरे अलग अलग है, मोहरा सिर्फ एक है और टारगेट सिर्फ एक है, सत्ता पाना। भले ही चाहे जो मर्जी हो जाए, इनकी सत्ता जो है, सत्ता की भूख हम कहें, वो कम होने का नाम नहीं लेती है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमजीवी कहना अखिलेश यादव को मुसीबत में डाल रहा है। संत समाज के लोग काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो यूपी में चुनावी मूड चल रहा है, वो मूड आखिर है कैसा, इस मूड से जनता का क्या भला होगा। ये जो चुनावी मुद्दे हैं, ये जो चुनावी भाषण हैं, वो पर्सनल क्यों हो रहे हैं, चुनावी क्यों नहीं है। उससे पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको फिर इस पर चर्चा भी हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हकीकत क्या है और क्या हो रहा है। अपने बयान पर बुरे फंसे अखिलेश यादव, भगवादारी संतों को चिलमजीवी कहना पड़ सकता है महंगा। अखिल भारतीय संत समिति ने जताई आपत्ति, अखिलेश यादव से कहा क्षमा मांगो। अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म है। इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कहीं पक्ष विपक्ष पर तंज कसते नजर आता है तो कहीं विपक्ष पक्ष पर। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर निशाना साधते हुए भगवा वस्त्रधारी संतों को चिलमजीवी कहना अखिलेश यादव को मुसीबत में डालता नजर आ रहा है। दरअसल अपनी विजय रथ यात्रा के दौरान अखिलेश ने सीएम योगी को चिलमजीवी बोला था। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में, ये जो चिलमजीवी है, ये चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकते। वो हम बदहाल है बाबा मुख्यमंत्री जी की वजह से, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है, उन्हें फुर्सत ही नहीं है धुआं उड़ाने। अखिलेश के बयान से नाराज अखिल भारतीय संत समिति ने अखिलेश यादव के इस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए बिना देर किए उन्हें संत समाज से क्षमा मांगने को कह दिया। बता दें कि ये कोई पहली दफा नहीं है जब अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए शब्द का इस्तेमाल किया हो। इससे पहले भी अखिलेश सीएम योगी पर ऐसी टिप्पणी कर चुके हैं। बताओ, हमारे गठबंधन को शराब कह रहे थे एक बार, और हम तो कहेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री चिलम मंत्री हैं। मामले में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि अखिलेश यादव के इस अनर्गल बयान से आक्रोशित देश भर के सभी साधु संतों ने एक स्वर में सभी ऐसे नेताओं को चिताया है जो लगातार सनातन धर्म, भगवा और संतों पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी ओछी राजनीति में संतों को ना घसीटे, अन्यथा सनातनियों के जन आक्रोश के रूप में दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि संत समाज पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाकर ऐसे समाजवादी और कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाएगी जो लगातार सनातन हिंदुओं और उनकी परंपराओं पर अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सनातन परंपरा के अनुसार ही विश्व भर में पूजनीय और सम्मानित मठ के पीठाधीश्वर हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा है कि भारत में प्राचीन काल से सत्ता, धर्म, राज सत्ता से हमेशा सर्वोपरि रही है। एक संत को संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार से मुख्यमंत्री पद पर आसीन होने से किसी को भी अधिकार नहीं मिल जाता कि उन्हें गंदी राजनीति का शिकार बनाया जाए, उन पर निशाना साधने के लिए संत समाज के विषय में आपत्तिजनक और निचले स्तर की टिप्पणी की जाए। जिस प्रकार अखिलेश यादव जी ने कल सनातन हिंदू धर्म, भगवाधारी सन्यासियों के ऊपर प्रहार किया,
यह उनकी कुत्सित मानसिकता को दर्शाता है कि ये अव्वल किस दर्जे तक का हिंदू विरोधी व्यक्ति है। चिलमजीवी, एक रंगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग इसके पूर्व कांग्रेस के नेताओं ने आईएसआई, बोको हरम जैसे शब्दों का प्रयोग भी इन लोगों ने किए थे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे नेता केवल अल्पसंख्यक तुष्टिकरण के चलते सनातन धर्म के विरुद्ध ऐसी ओछी टिप्पणियां करते हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने अखिलेश यादव और उनके प्रवक्ताओं से संतों का अपमान करने के लिए संपूर्ण संत और सनातन समाज से बिना देरी किए माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर अखिलेश यादव क्षमा नहीं मांगते तो संत समाज सक्रिय रूप से पूरे देश में घर घर जाकर इस पितृद्रोही, सनातन द्रोही तथा कथित नेता के खिलाफ जन समर्थन की अपील करेगा और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा, और इस दौरान अखिलेश ने सीएम योगी को चिलम जीवी बोला था। बस फिर क्या था, बवाल खड़ा हो गया। अब साधु संत नाराज अखिलेश यादव से हो गया है। साधु संत का कहना है कि जब तक अखिलेश यादव माफी नहीं मांगते तब तक हम इस पर माफी नहीं देंगे। अखिलेश यादव ने जो बोला है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग तरीके की, वो आपको सुनवा देते हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ बन गए हैं। देवेंद्र प्रमुख बीजेपी नेता है, अरविंद कटारिया सपा से नेता हैं, अभिमन्यु त्यागी कांग्रेस के चेहरे हैं, श्री महंत रविंद्र पुरी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष से हैं, वही एके मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सबसे पहला रुख मैं अरविंद कटारिया जी का करूंगी। आप सभी को क्या मेरी आवाज आ रही है? जी यार। अरविंद कटारिया जी, संत समाज की नाराजगी ये कह रही है कि अब बस हुआ, बहुत हुआ, अब इस तरह की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी, अखिलेश यादव माफी मांगे। कटारिया साहब, कटारिया साहब क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो शायद कटारिया साहब हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं, कुछ समस्या है। इससे पहले मैं देवेंद्र प्रमुख का रुख करूंगी। देवेंद्र प्रमुख जी, क्या हो रहा है ये, कौन सी राजनीति है ये? आरोप प्रत्यारोप में इतने पर्सनल हो जाते हैं कि भूल जाते हैं कहना क्या है। काजल जी, शुरुआत जो करूंगा वो विनाश काले निकली बुद्धि। ये माननीय मुलायम सिंह जी जो है जिस तरीके से अपनाते हुए आए हैं सनातन धर्म संस्कृति का विरोध करते करते पूरी जिंदगी निकल गई, आज अखिलेश जी ने उनके फैसले को जो है निंदा किया है। और ये अच्छी बात है कि जनता का डिसीजन होने से पहले उसकी मानसिकता उनके मुंह के ऊपर आगे के निकलता है। ये लोग यही करने वाले हैं 2022 में ये जनता को बता देना चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे में जिस तरह से जो हमने किया है वो कसर बाकी बची थी, अगर मौका मिल जाता है तो हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। जुड़ा कोई बयान आपसे पहले ना तो 4.5 वर्ष में प्रदेश में सुनने को मिला था जी, और ना मुझे भविष्य में उम्मीद है। और ये जब सरस्वती जुबान पर बैठती है तो इंसान से वही बुलवाती है। अच्छा, ये हमारे साथ में मिश्रा जी बैठे, हर वक्त सरस्वती इनकी जुबान पर रहती है। अच्छा, आपको सुन लेना, जो आपको सनातन धर्म संस्कृति का विरोध करते हो सरस्वती जी कभी साथ नहीं दे पाएगी उन लोगों का। और एके 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 मिश्रा जी का साथ देंगी, एके मिश्रा जी का साथ देंगी? नहीं, मैंने उस तरह से कटाक्ष नहीं किया। नहीं, किस तरह का कटाक्ष था ये? मैंने तो ये कहा था कि बड़े बुद्धिजीवी आपने। अच्छा, मिश्रा जी को बैठा कर डिबेट में बड़ी जान डाल दी है। अच्छा, मिश्रा जी का देह दर्शन आसानी से नहीं होते। अच्छा, बड़े दिन के बाद मेरी डिबेट इनके साथ हो रही है, मेरा नमस्कार भी है और महाराज जी बैठे उनको भी मेरा प्रणाम है। चलिए ठीक है, तारीफें बहुत कर दी आपने। आप देखेंगे कि एके मिश्रा जी किस तरह का विजन जो है अपना रखते हैं। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी आपके पास वापस लौटूंगी। कटारिया साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। कटारिया साहब, संत समाज की नाराजगी बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी।
जी काजल जी, हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय इस उत्तर प्रदेश ही में पूरे भारत के संत समाज का आदर करते हैं। उन्होंने हमेशा अपने गुरुओं का आदर करते हैं और वही नहीं, पूरी पार्टी और पूरी समाज उनकी सदैव पूजा स्थल और सभी धर्म और सभी धर्म के लोगों का आदर करती है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय किसी भी संत के बारे में कभी कोई गलत टिप्पणी नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि उनके यहाँ नवरात्रों में कन्या तक खिलाई जाती हैं। बयान सुनाऊंगी आपको, बयान सुनाऊंगी, एक नहीं दो बार माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव? और जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं उनको ये समझना चाहिए कि अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के पिताजी को, आदरणीय नेताजी को, उन्होंने किन शब्दों से नवाजा था। और उसके बावजूद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि अगर हम उनके पिताजी को इस तरह की भाषा इस्तेमाल करें तो उन्हें कैसा लगा। अरे ठीक है, और इसके बावजूद आप ये बताइए माफी कब मांगेंगे? माफी कब मांगेंगे? संत समाज की मांग, मेरी मांग नहीं, मेरी मांग नहीं, संत समाज की मांग का आदर करते हैं। और वो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के संत समाज का आदर करते हैं, उनसे गलती हो ही नहीं। पूछ लेती हूँ महंत रविंद्रपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, पूछ लेती हूँ आपका जो डाउट है ना, आपका डाउट क्लियर करवा देती हूँ। सुन लीजिए कटारिया साहब एक मिनट, आपका डाउट क्लियर करवा देती हूँ। रविंद्र जी मेरी आवाज मिल रही है? महंत जी, जी क्या कह रहे हैं कटारिया साहब? कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अखिलेश यादव ने तो ये कहा कि जो लंबी लंबी हाँकते हैं, लंबी लंबी फेंकते हैं, वो है चिलमजीवी। वो कौन? अखिलेश जी के विषय में जो कटारिया जी ने कहा है ये उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा का भाव है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म यदुवंश में जन्म लेने वाले आज अगर वो सार्वजनिक रूप से संतों के विषय में ऐसी बात करते हैं, ऐसी आशा मुझे अखिलेश जी से नहीं थी। उनको बिना किसी विलंब किए हुए समस्त साधु समाज से क्षमा करने मांगनी चाहिए, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो अखाड़ा परिषद के नेतृत्व में सन 1913 का कुंभ हुआ था, तो ये जो विषय उन्होंने क्योंकि संत किसी पार्टी के नहीं है, संत सारे समाज के हैं। और उत्तर प्रदेश में क्योंकि बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं और हजारों नहीं लाखों की संख्या में साधु रहते हैं, अगर उनके किसी शब्दों से किसी भावनाएं आहत हुई हैं तो एक अच्छे सुयोग्य सुपुत्र होने के नाते मुलायम सिंह जी के उनको अविलंब क्षमा मांगनी चाहिए। अभिमन्यु त्यागी के पास जाऊंगी और यहाँ पर उससे पहले एके मिश्रा जी का मैं रुख करूंगी। एके मिश्रा जी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे अभी, देवेंद्र जी कह रहे थे कि डिबेट में जान डल गई है। एके मिश्रा जी अगर पैनल में है तो ठीक है, इस समस्या को देख रही हूँ, मैं इस समस्या को जल्दी ठीक कराऊंगी। आप ये बताइए कि ये जो चुनावी दौर में हो रहा है, चुनावी फिजा में जो शब्द निकल रहे हैं, जो अच्छे खासे एक नेता हैं जिनका वर्चस्व कभी रहा था, जो एक कहीं ना कहीं अपने पूरी पार्टी का जनाधार लेकर चलते हैं, वो इस तरह के शब्द निकाल रहे हैं, क्या ये सही? मुझे थोड़ा समय दीजिए, जाके प्रभु दारों को लेना ताके मत पहले हर लेना। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे रावण बहुत उच्च कुलीन घराने में पैदा हुआ था लेकिन उसका बोल चाल रहन सहन बात व्यवहार सब कुछ धर्म विरुद्ध था, ये आज यदुवंशियों में दिख रहा है। कृष्ण भगवान ऐसे थे जिनको भगवान बोलते थे, आर्यावर्त के सिद्धांतों की नींव रखी है और सारा आचरण धर्म विरुद्ध चल रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन इस पार्टी का ये इतिहास रहा है, इसके व्यवहार का हमेशा सनातन बात यहाँ पे सनातन की है, सनातन के विरोध में बोलना। मैं उनको ये बोलता हूँ कि इनको पता तब चलेगा जब ये चिलमजीवी इनको जो है अपने चिलम में भर के जब इनको इनका धुआं बना के उड़ाएंगे ना, जिस दिन काउंटिंग होगी तब इनको पता चलेगा कि अरे हम तो धुआं बन के उड़ गए और चिलमजीवियों ने हमें ऐसे पी लिया कि पता भी नहीं चला।
रही बात माफी मांगने की, माफी मांगना तो दूर, मैं कुछ नहीं अपेक्षा करता हूँ, ये कान पकड़ करके हम बैठक भी करेंगे जो सनातन से विरोध ले रहे हैं और ऐसे कुलीन घर में जो है पैदा होकर के ले रहे हैं। इतिहास देखिए लगातार कितने सालों से सनातन के ऊपर जो है। लेकिन मिश्रा जी आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, दोबारा आपके पास आऊंगी। अभिमन्यु त्यागी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अभिमन्यु जी, संत समाज आप सभी बेहद नाराज है, आपको भी आड़े हाथों लिया है। वो कहते हैं कि बोको हराम आईएसआई से जो तुलना है वो करते हैं हिंदुत्व की। नमस्कार जी, त्यागी जी, संत समाज आपसे भी नाराज है। नमस्कार त्यागी साहब जी, अगर कोई कोई पुस्तक लिख दे तो उसका अपना वो निजी विचार है। अब कोई कहीं आए जाए खाए पिए नाए दे तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या मतलब है? नहीं, निजी विचार है, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि हमें जो पार्टी कहती है वही करते हैं। सलमान खुर्शीद का एक बयान आया था। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर उनकी लिखी पुस्तक कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रकाशित कराई जाती वो कांग्रेस पार्टी की पुस्तक मानी जाती, उसमें लिखे गए विचार कांग्रेस पार्टी के विचार माने जाते। कांग्रेस पार्टी तोड़ने की बात करती है, तोड़ने की बात नहीं करती। अभी वो किताब हमने खुद नहीं पढ़ी है, अगर मिलेगी तो पढ़ लेंगे, लेकिन जो बात साधु संत समाज की बात है, काशी में काशी कॉरिडोर के नाम पर प्राचीन मंदिरों को ढाया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। श्रीमान जी आपको पता नहीं है, 2500 मंदिर जो छुपे हुए थे घरों में, प्लीज प्लीज करके बाहर एक मिनट के मिश्रा जी, कह लेने दीजिए उन्हें, आप बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए। निवेदन निवेदन काशी में गंगा जी से एक नहर का निर्माण कराया जिसमें करोड़ों रुपए लग गए। अब बाढ़ आ गई तो गंगा जी चढ़ गई नहर पर और वो सारा करोड़ों रुपए खत्म हो गया। उस समय गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का वाहन का मेला लग रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में हापुड़ में आकर कहा था, ऐलान किया था कि यह मेला सरकारी हो जाएगा। यह उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है, वो मेला भी सरकारी नहीं हुआ। भाजपा की सरकार में 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्याएं मंदिर के आश्रम के मठों की जमीन कब्जाने के लिए हो गई, 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुई, साधु संत समाज चुप है। ये बहुत सारे प्रश्न हैं। कुंभ का आयोजन हुआ उसमें भी घोटाले के आरोप है, काशी में एक फ्लाईओवर गिर गया, ठीक है, वो महाराष्ट्र के इनके मंत्री है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, त्यागी साहब जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, देवेंद्र जी जवाब दीजिए, आरोप क्या है, आरोप लगते जा रहे हैं, आप जवाब देने का समय है। देखिए, हम खुद सनातन धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, खुद स्वयं मैं ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हूँ और लेकिन मेरी चौथी पीढ़ी कांग्रेस पार्टी में है। एक मिनट त्यागी साहब, त्यागी साहब सवाल किए तो जवाब भी ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, सवाल कर रहे हैं तो जवाब भी ले लीजिए ना, एक मिनट जवाब ले लीजिए। देवेंद्र जी, मैं काजोल जी स्पष्ट करूंगा कि किसके बयान का आपने पढ़ने के बाद यह तय हो गया कि अखिलेश के बयान को समर्थन मिला। और एक कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाई, यह तो होना ही था। अच्छा, कांग्रेस सबके साथ है,
कांग्रेस के साथ है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नमन करता हूँ। संस्कृति को आपने जिंदा किया है। राम मंदिर, राम मंदिर को बीच में मत लेकर आइए। राम मंदिर पर अलग से चर्चा हो जाएगी। आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। ऐसे नहीं समझ आ रहा कि साहब और देवेंद्र जी की राम मंदिर हम तो साधु संत समाज से निवेदन कर रहे थे कि राम मंदिर के निर्माण का जो कंबा है वो है। अब राम मंदिर का जिक्र मत करिए ना, राम मंदिर का जिक्र मत करिए। राम मंदिर पर अलग से बहस हो जाएगी, राम मंदिर पर तो अलग से बहस होगी। राम मंदिर का जिक्र मत करिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कटारिया साहब इस तरह की बयानबाजी करिएगा तो 2022 कैसे फतह होगा? साधु संत को नाराज करके 2022 नहीं जीत पाएंगे। एक मिनट, आप एक एक करके बोलिए। देवेंद्र जी, गालिया अपनी तैयारी करके आइए। ये देश राम का है, राम का रहेगा, सनातनों का है, सनातनियों का रहेगा। अरे ठीक है, ये देश सबका है, देश सबका है। देवेंद्र जी, देश सबका है, देश सबका है, ठीक है। अब सुन लीजिए, दूसरों को भी सुन लीजिए। आप अकेले बोलिएगा तो जवाब कैसे मिलेगा? कटारिया साहब, काजल जी, मैंने सोशल मीडिया पर एक कविता पढ़ी है कि माता सीता बहुत दुखी है, बीजेपी के काम पर सारा पैसा खा गए भगवान के राम के नाम पर। ठीक ना, आज उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है? आज उत्तर प्रदेश की जितने रोडवेज बसें थी अरे बहुत समय है, एक एक करके बोलिए ना। क्या इस सरकार को सोचना नहीं चाहिए? कल सुप्रीम कोर्ट में सीधे एवनी रमन्ना जी ने उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी फटकार लगाई है 3 मामलों में। एक तो डेढ़ पर जो ये फिजरपन है, डेढ़ पर संस्कृत भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों को सावधान होना चाहिए। मैं प्रमुख जी से कहता हूँ कि वालों को कम रखे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप अपना ये जो पोल्यूशन फैलाते हैं, डिबेट पोल्यूशन, मिश्रा जी से कहना चाहता हूँ इसे ना फैलाएं। पूरा उत्तर प्रदेश का और अखिलेश यादव जी क्या करते हैं? अखिलेश यादव जी क्या करते हैं? क्या वो शब्द पोल्यूशन नहीं फैलाते? क्या वो शब्द से पोल्यूशन नहीं फैलाते हैं? 1 रुपए का कोई काम नहीं हो रहा है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश की बसें। अरे ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, मंचल एक्सप्रेस में खड़ी कर दी, सारी महिलाएं परेशान हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार को इस तरह का करना चाहिए? आप ये बताइए कि अखिलेश यादव माफी कब मांगेंगे? मोदी जी की सरकार और आदरणीय मोदी जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव सिंह जी से घबराए हुए हैं। किस तरह रैली निकली लखनऊ के लिए, जो मात्र जो 24 घंटे में पहुंच रही, वो 36 घंटे में पहुंच रही लखनऊ। अच्छा, जगह जगह उनका स्वागत हो रहा है, अपार भीड़ हो रही है और उनके रैलियों में कुर्सियां तोड़ी जा रही है, उनके रैलियों में लोग नहीं इकट्ठे हो रहे हैं और चंदा से बसें लगाई जा रही है। कटारिया साहब, उत्तर प्रदेश में जो मैंने पूछा वो तो आप नहीं बोलेंगे, उसका जवाब तो आप नहीं देंगे। जी बताइए, माफी कब मांगेंगे अखिलेश यादव? कब मांगेंगे माफी? संत समाज पूछा, मैं नहीं पूछ रही। समाज का आदर करते हो, मैं नहीं पूछ रही। योगी जी ने मैं नहीं पूछ रही, आप बताइए। अरे योगी जी को माफी मांगना चाहिए,
किसी राष्ट्रीय नेता के पिता जी के बारे में, आदरणीय नेता जी के बारे में, क्या उनको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आप संत समाज, आप संत समाज के भगवाधारियों को, भगवाधारियों को चिलमजीवी कह रहे हैं, आप माफी नहीं मांगेंगे? पूरा पूरा पूरे साधु समाज का आदर करता है और सदैव गंगा स्नान। अरे कहने भर से नहीं होता ना, कहने भर से नहीं होता। ठीक है ठीक है, एक ही मिश्रा साहब बोलिए। कोई उंगली नहीं उठा सकते, और अगर किसी शब्द पर विरोध हो रहा है समाजवादी हिंदी के, कहने भर से नहीं होता। कटारिया साहब ठीक है, शांत हो जाइए। ठीक है, आपके पास लौटूंगी, लौटूंगी, लौटूंगी आपके पास। एक ही मिश्रा साहब, सर सुनिए, हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कटारिया सर ऐसे डिबेट में बोल रहे हैं जैसे बचपन में हमारे गांव में जब मेला वाला होता था ना तो खेला आता था, सर्कस जी, होता जी, था जी। आ गया वही दो चार शब्द इनके पास है, घूम फिर के बोल रहे। मैं चिरंजीवी पे बोल दूं, अगर बात सनातन की है तो मैं उस व्यक्ति या उस पार्टी को आगाह करना चाहता हूं कि संत समाज इनको जब अपने चिलम में भर के इनका धुआं धुआं उड़ाएगा ना चुनाव में, तो इनको पता भी नहीं चलेगा कि इनका अस्तित्व कहां गए। आप कल गाड़ी पर एक्सपोज में बात किए थे ना समाज से, अरे चिलमजीवी की गाड़ी पर एक्सपोज में क्या हुआ का पता नहीं है। आपने और आपकी पार्टी ने कितनी बसें ले गए, समाजवादी पार्टी का ये बोल रहे हैं कटारिया साहब, कितनी सुन लीजिए ना पहले, कितने बच्चों को अपने पिताजी के साथ माननीय और आपके पार्टी के लोगों को उसको माफी नहीं मांगनी चाहिए। भाई की छीना झपटी सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करोगे? पर आप सरकार, आप सरकारी संपत्तियों का बेदाग इस्तेमाल करेंगे? मित्र संत समाज के ऊपर आखिरी है, मैं बोलूंगा करपात्री महाराज जी ने जब संसद का घेराव किया गौ हत्या को रोकने के लिए, नहीं नहीं ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे नहीं समझ आ रहा, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आपको पता नहीं चलेगा आप कहाँ गए, कल सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग लीजिए, नहीं चिलम में भर के संत समाज आपकी पार्टी का धुआं धुआं उड़ाने का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए, मिशन समझ गए। ठीक है, किसी को नहीं करते, अरे शांत रहिए ना, कटारिया साहब तो बोलने नहीं देंगे किसी और को। हर भारतीय के लिए मर मिटने की बात है, कोई भी आदमी ऐसे बयान कैसे। ठीक है ठीक है, मान लिया मान लिया मान लिया, अरे इस पैनल में सुन लीजिए, इस पैनल में पांच जी भी बैठे हुए हैं, उनकी भी सुन लीजिए। थोड़ा तो लगता है जिस शब्द को आप, अरे मिश्रा जी आप चुप हो जाइए, मिश्रा जी ऐसे आवाज डाउन करा रही है, आपके पास विद्या नहीं है इसीलिए पशु की तरह है, आप क्या बोल रहे हैं आप? मिश्रा जी ठीक है, मिश्रा जी कटारिया जी आपकी आवाज डाउन करा देंगे, आप चुप हो जाइए दोनों। सरकार जाने वाली है, अरे मान जी बैठे उनकी भी सुन लीजिए, अभी बहुत समय है सरकार जाने में, सरकार आने में रुक जाइए, वही सरकार आने वाली है। यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अरे दूसरों की भी सुन लीजिए ना, 2017 वाली आप मुझे बता दीजिए, कल सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई राज्य सरकार, जितना 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 कटारिया साहब, कटारिया साहब जितना आप यहाँ बोल रहे हैं ना पैनल में, उतना अगर आप काम कर लेते तो सत्ता में आ जाते 2017 में। इसके लिए सुप्रीम माननीय ऐसे तत्वों के लिए लगाया था कि मंच पे सार्वजनिक सभाओं में प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, जो शहीद होते थे उनकी बॉडी घर तक नहीं आ पाती है, उनको वर्दी देने को और उनका सम्मान करने का और उन्होंने उनके घर तक पहुंचाने का काम किया है, जो आदरणीय नेता जी ने इस देश में काम किया रक्षा मंत्री रहते हुए, आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पूरे 70 सालों में कमाई की संपत्ति को बेच दिया, समझे? झूठे लोग जनता को गुमराह करते हो, इनको मुस्लिम करते हो, समझे? इस तरह का कुछ देश का नहीं है। ठीक है ठीक है, आधा घंटा सिर्फ चिल्ला के अलावा कुछ नहीं हुआ, आधा घंटा कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है चिल्लाने के अलावा। आप बोल रहे हैं अरे पांच जी बैठे हैं उनका तो लिहाज कर लीजिए, क्या आप लोगों की तरह से बोलने से कुछ समझ आ रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, गाड़ियों से रोना लेते हो, इन सब की आवाज़ डाउन करिए, रोना दिखाते हो, जाए
सकता हूं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर लगातार सियासत गरमाई हुई है। कितनी गरमाई हुई है वो तो आप पैनल में देख ही रहे होंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कुछ और भी बयान इस पर आए हैं, हम चाहें कि वो भी सुनवाएं किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसके बाद फिर वापस हम चर्चा पर बनेंगे। चिलम में जीवी के बारे में चर्चा चल रही है। मेरा ये कहना है भगवान शंकर भी तो भांग और का नशा करते हुए दिखाया गया है, तो धार्मिक चीज़ें हैं। और ख़ास तौर से ये गोदी मीडिया हो या कोई भगवाधारी लोग हैं, ये ख़ास तौर से बीसी समाज को अपमानित करने के लिए अनेक प्रकार प्रयास करते रहते हैं। अभी केशव मौर्य की चर्चा चल रही, हमारे डिप्टी सीएम हो, इनको अपमानित किया गया, भाषा से अपमानित किया गया। अगर ऐसे ये भगवाधारी होते तो राम ट्रस्ट मंदिर में जो 15 ट्रस्टी लोग हैं, क्या इसमें एक भी बीसी हैं? एक भी बीसी नहीं है। अभी गत माह में मंत्रियों का गठन हुआ, 7 मंत्रियों का, एक भी बीसी समाज को कमल मंत्री दर्जा नहीं दिया गया। ये तो अपमानित हमारे बीसी समाज का, पिछड़ा समाज का, पिछड़ा समाज को सोचना चाहिए इस बात को। देखिए, साधु संत के ऊपर किसी को भी उनके पहनावे पर, किसी को भी उनकी वेशभूषा और क्या वो खाते पीते हैं उस पर सवाल खड़े करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, खास तौर से। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हर मामले में धार्मिक बिंदुओं को घसीट कर ला रही है, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों पर चुनाव में जा रही है। जो लोग भी इस तरीके के अनर्गल बयान दे रहे हैं, जनता ने उनको पहले भी सबक सिखाया था और फिर से सबक सिखाएगी। लेकिन ये सच है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का चुनाव जनता के मुद्दों पर, किसानों की समस्याओं पर, नौजवानों की बेरोजगारी पर और जो महिलाओं का अपमान भाजपा ने किया है उस मुद्दे पर होगा। अखिलेश जी, जिन्ना की विचारधारा इतनी हावी हो गई है कि अब आप जो है चिलम जीवी और एक रंग के कपड़े की बात करने लगे हैं, इतने हताश और निराश आप क्यों हो गए हैं? आप वही है ना जो अभी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर हमला करवाते हैं जब आप मुख्यमंत्री थे? आप वही है ना जो पंचकोसी परिक्रमा पर रोक लगवाते थे? और आज जो है आपके अंदर इतनी निराशा भर गई है, चूंकि विकास की योजनाएं बराबर जो है योगी आदित्यनाथ जी की जो है प्रधानमंत्री जी लोकार्पित कर रहे हैं, तो आप इतने हताश निराश हो गए हैं कि आप जो है एक धर्म के लोगों पे सीधे हमला कर रहे हैं? ये शोभा नहीं देता है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता इसका जवाब 2022 में आपको देगी। तो चिलम जीवी, इसके अलावा जिन्ना, इसके अलावा किसान, बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात हो रही है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मर्यादा से बाहर हो जाते हैं। पैनल हमारे साथ बना हुआ है, ऑडियो मैंने सबके डाउन करवाई थी, आप सबकी ऑडियो उठा दीजिए। आप लोग आपस में यूं ही लड़ते रहिएगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? उपद्रव मचाते हैं। आपकी सरकार रहती है तब उपद्रव मचाते हैं। एके मिश्रा जी, उपद्रव आपका वहाँ पे देख। एके मिश्रा जी शांत हो जाइए, बहुत देर हो गई। मंच पे जाके प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन, ठीक है शांत, तो मंच साझा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत देर हो गई। नहीं, आप शांत, वहाँ पे त्यागी जी कह रहे थे 600 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। मिश्रा जी आप दोनों सुनिएगा या नहीं सुनिएगा, 600 ब्राह्मणों का एनकाउंटर हुआ है। त्यागी साहब, त्यागी साहब आप बोलिए। कानून और संविधान में जो सजा है वो मिलेगी, चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। नहीं, आप दोनों ही चर्चा कर लीजिए ना, बाकी पैनल को हटा देती हूँ मैं। आप दोनों चर्चा कर सकते, साधु संत के नाम पे आप भारत को, आप अपने देश की। मिश्रा साहब, मिश्रा साहब बस करिए, बहुत हो गया, बहुत देर हो गई, आधा घंटा हो गया, किसी और को भी बोलने का मौका दीजिए ना। आप दोनों ही पैनल में नहीं है, और भी लोग हैं पैनल में, महंत जी बैठे हुए हैं, उनका विजन भी तो जानना जरूरी है। जिस प्रकार की हद कर देते हैं आप लोग प्रदर्शित कर रहे हैं चैनल के माध्यम से जी, इससे ये आभास हो रहा है जो बौखलाहट आपकी इलेक्शन के पहले से आ गई है। जहां तक बात है आदरणीय योगी जी की, ऐसा कर्मठ, ईमानदार, चरित्रवान मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बहुत वर्ष के बाद आया है। और जैसा विश्वनाथ कॉरिडोर के विषय में आपने कहा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, मैं स्वयं अभी 2 दिन पहले विश्वनाथ जाके आया हूँ। विश्वनाथ में जो विकास का काम हुआ है वो संपूर्ण भारतवर्ष, यानी विश्व में रहने वाले सभी सनातन धर्मावलंबियों के गौरव का विषय है। इस प्रकार से हमारे धर्म स्थानों का अतिक्रमण हुआ और उसमें सुधार होता है, तो उसमें कई बार क्या होता है, जो लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में मंदिरों की स्थापना करवाते हैं उनका स्थानांतरण हुआ है,
किसी ऐसे मंदिर को नहीं तोड़ा गया है जो वहाँ प्राचीन था। ठीक है, और जहाँ तक विकास और ये जो मुद्दे हैं राजनीति के, साधु समाज का इतना ही मांग है कि जो अखिलेश जी ने कहा है, अखिलेश जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है, मुझे आशा है वो अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, माफी मांगे, सभ्य परिवार में उनका जन्म हुआ है, माफी मांगे, उनको इस पर साधु समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। मान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? एक मिनट, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट, कितने से बोल रहे हैं आप? मान जी सुनिए, ये जो आपने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो इसलिए कि वो मुख्यमंत्री हैं या इसलिए कि वो प्रधानेश्वर हैं? नहीं, वो एक संत हैं, उनका निजी जीवन जो है वो बिल्कुल चरित्रवान है, ठीक है, डेड ऑनेस्ट है वो, और इतना वो वर्क करते हैं शरीर से, सवेरे 5 बजे उठते हैं वो, और भारत के इतिहास में एक गौरवशाली क्षण है उत्तर प्रदेश के लिए। आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के ऊपर, गुंडों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा है, इसको ना कांग्रेस पार्टी अस्वीकार कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी। समाज में हम लोग रहते हैं, हमारी बहनों के साथ, माताओं के साथ जो व्यवहार था, जिस प्रकार की अराजकता की स्थिति थी पिछले 10-12 साल में उत्तर प्रदेश में, अब सब ठीक हो गया, उस पर बहुत अंकुश लगा है। जो अच्छे काम हुए हैं उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, अगर कहीं त्रुटी है तो विपक्ष को अधिकार है उसकी निंदा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट त्यागी साहब, आप कितना मुस्कुरा रहे हैं? आप कितना मुस्कुरा रहे हैं? आप भी तो उन्हीं साधु संतों का सहारा ले रहे हैं ना 2022 के लिए। प्रियंका गांधी बहुत पूजा पाठ कर रही है, और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बच्चों की छात्रवृत्ति तक रोक दी गई, स्कॉलरशिप तक रोक दी गई। कटारिया साहब, कटारिया साहब, और भी लोग हैं ना, उनको बोल लेने दीजिए। त्यागी साहब आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? प्रियंका गांधी भी तो साधु संतों का साथ लेकर चल रही है ना। विकास का मुद्दा है वो, आप लोग राजनीतिक व्यक्ति, आप हर काम में उनके कमी निकालें, ये आपका कर्तव्य है। जहां तक साधु समाज की बात है, मेरा ये कहना है, जो भी राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, हम लोग सब लोगों के संत हैं, सारी पार्टी के लोग हमें मानते हैं, तो हम लोग सबका सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे जिससे भावनाएं आहत हो, और अखिलेश जी के नेतृत्व में भी, अखिलेश जी के नेतृत्व में भी कुंभ मेला हुआ था 2013 में, और योगी जी के नेतृत्व में मेला हुआ। दोनों कुंभ मेलों में आप अंतर देख लीजिए, कुंभ के जो व्यवस्था योगी जी ने किया था वो पूरे विश्व में एक अलौकिक घटनाक्रम हुआ। इस प्रकार की साफ सफाई व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, कोरोना काल में इतने लोग मर गए, अरे ठीक है, अरे ठीक है, किसी को बोल लेने दीजिए ना। कोरोना का विषय नहीं, इसमें एक ही विषय पर आप चर्चा करें, कोरोना काल में जो भारत में साधु संतों की बात हो रही है, सनातन धर्म की बात हो रही है, काम कोरोना पर आ गए आप, कोरोना पर बहुत चर्चा की है ना, आगे भी कर लेंगे कोरोना पर चर्चा। जब हम किसी कार्य को करते हैं उसमें कठिनाइयां भी आती हैं, विपक्ष का ये कर्तव्य है कि सरकार की जो कमियां हैं उसको बिल्कुल आप पूर्ण रूप से उठाएं। ठीक है, ठीक है, त्यागी साहब मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? लेकिन अगर कहीं सही काम है तो उसको, त्यागी साहब आवाज आ रही है मेरी? योगी जी, मुलायम सिंह जी अस्वस्थ हुए, उनको मिलने गए थे, ऐसा नहीं। त्यागी साहब की आवाज आ रही है मेरी? योगी जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार, जैसे आपने कहा कि संतों का ये हत्याएं हुई, उनकी घटनाएं, ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में भी दो हत्या आंदोलन, हजारों साधुओं की गोलियां चली थी दिल्ली में, इसको साधु समाज भूला नहीं है, और साधुओं का ही कृपा से कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, और जब से साधु समाज से कांग्रेस पार्टी दूर हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक धर्म विशेष के लोगों को महत्व दिया। मान जी ठीक है, आपको रोकूंगी, मान जी आपको रोकूंगी, पुस्तक का जो विषय उन्होंने उठाया, ठीक है, मान जी आपको रोकूंगी, चिदम्बरम जी वहाँ शामिल थे, मान जी आपको रोकूंगी मैं, त्यागी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, त्यागी जी बोलिए। देखिए मेरा निवेदन है कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। आपको मौका दिया जा रहा है, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आप ये बताइए कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे थे? प्रियंका गांधी भी तो साधु संतों का साथ लेकर चल रहे हैं ना, पूजा अर्चना करिए, प्रियंका गांधी सबको याद आ रहे हैं, राम जी, राम लीला भी याद आ रहे हैं, कृष्ण भगवान भी याद आ रहे हैं, शिव जी भी याद आ रहे हैं, माँ दुर्गा भी याद आ रही है। अब बोलिए, अब हम एक बात कहते हैं, भाजपा की तरफ से देवेंद्र प्रमुख जी बैठे हैं, मिश्रा साहब बैठे हैं जी, ऋषभ चौहान साहब बैठे हैं, नहीं वो पब्लिक समझ रही है बात, दो लोग हैं, मिश्रा जी और देवेंद्र प्रमुख ने
क्या समझाने की बात कर रहे हैं आप? क्या समझाना चाह रहे हैं? एके मिश्रा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर बैठे हैं। अरविंद जी, अरविंद जी बात रखिए। देखिए हमारे घर में भी साधु संत है। मैं वैष्णव जी से पूछना चाहता हूं कि चौहान टाइटल किस दीक्षा लेने के बाद आप लगा के रख सकते हो? माफ करना, बड़े माफी के साथ पूछना के साथ पूछना चाहता हूं। आप यहाँ एक तरफा बात करेंगे, राजनीतिक बात करेंगे, क्वेश्चन बनेगा, तो इसलिए प्रश्न पूछा गया है। मैं कोई निजी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। नाम, पहला नाम और दूसरा नाम दोनों तुम हो जाते हूं। आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विचार रख रहे हैं। हम बात कह रहे हैं कि महाभारत सर्किट बनाने के लिए मोदी जी ने आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था मथुरा सर्किट बनाएंगे, एक कृष्ण सर्किट बनाएंगे, उसमें काम नहीं हुआ। काशी कॉरिडोर के नाम पर बहुत प्राचीन मंदिर को तोड़ा गया। 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या मंदिर की मठों की आश्रम की जमीन तक जाने के लिए हुई है। कुंभ में घोटाला हुआ है, उसमें प्रश्न है। मेला सरकारी का कुछ कभी कुछ नहीं कर पाए। अब ये निवेदन है हमारा कि अखिलेश यादव जी साधु संतों के लिए कोई निजी टिप्पणी ना करें, जिससे कि भाजपा उसका एडवांटेज ना ले, कांग्रेस लेगी एडवांटेज, मेरा कांग्रेस को लेना चाहिए। हम नहीं धर्म के नाम पर नहीं। दूसरा मेरा साधु संतों से विनम्र निवेदन है कि जो काशी में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, काशी में गंगा नदी से नहर निकाली गई, करोड़ों का बजट खर्च हुआ, वो बाढ़ आई, वो नहर खत्म हो गई। कुंभ का घोटाला, 3 दर्जन से ज्यादा साधु संतों की हत्या मंदिर के आश्रम मठों की जमीन तक जाने के लिए, तो इन सब बातों के लिए भी वो भाजपा को फेरे। अयोध्या में चंपा तमाई जी की निगरानी में जो जमीन रही उस पर बैनामा हुआ, बुद्ध की जमीन का, उस पर भी साधु संत एक क्वेश्चन तो करे कम से कम। ये इतना निवेदन है हमारा। और मेरा ऋषभ महाराज जी से भी निवेदन है कि वो हम पे अपनी दृष्टि को बनाए रखे और साथ में भाजपा वालों से भी 100% जरूर करें कि सनातन धर्म में जो उनका एक मेरे क्वेश्चन होंगे मेरे उसके बाद के भी संस्कार होते हैं। गंगा जी में जो लाशें बहाई गई कोरोना काल में, उन्हें गंगा के खादर में दबा दिया गया, उन्हें अंतिम संस्कार का मौका भी नहीं मिला। जब एक फोटो अखबार में आई तो उन्होंने उसमें से राम गोपाला भी उठा लिया। ठीक है त्यागी साहब एक बात बताइए, त्यागी साहब भाजपा से जरूर इस बारे में सवाल करें। सवाल होंगे सुन तो लीजिए पहले, सवाल होंगे। देवेंद्र जी बहुत नाराजगी है आपके लिए, बहुत नाराजगी है इनके मन में। और दूसरी बात यह है कि देवेंद्र जी जवाब दें उससे पहले त्यागी जी आप एक बात ये बताइए कि अचानक जो सनातन प्रेम है वो कांग्रेस में कैसे उमड़ आता है चुनाव के दौरान? क्या वो चुनाव की बात नहीं, वो फॉर्मूला सीख लिया है कि हमें तो अब हिंदुत्व की राजनीति भी करनी है, हमें तो यहाँ पर मुस्लिम की राजनीति भी करनी है, हमें यहाँ पर सनातन धर्म की भी राजनीति करनी है, हमें किसानों की भी राजनीति करनी है, हमें महिलाओं की भी राजनीति करनी है, एक एक मुद्दे को पकड़कर राजनीति हो रही है। देखिए आप एक बात बताइए, मंदिर जाने पे कहीं कोई रोक है? बिल्कुल भी नहीं। और फिर क्या दिक्कत है किसी को? नहीं तो अचानक से याद क्यों आ जाते हैं मंदिर? उससे पहले भी तो खुले होते हैं ना मंदिर के द्वार, मंदिर के द्वार खुले होते हैं। नहीं नहीं रोक थी, रोक थी
कांग्रेस डरती थी, कांग्रेस डरती थी और इसी वजह से कभी भी अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं करने पहुंची और रामलला पर बात नहीं हुई। ये कांग्रेस पार्टी का सरकार, ये परंपरा है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, भगवान। अच्छा, ये फॉर्मूला अगर होता ना तो दशकों से कांग्रेस यूं भटक ना रही होती। नहीं, कांग्रेस कभी नहीं भटकी है। अच्छा, हिंदू मुसलमान के नाम पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है। अच्छा, और गुमराह करती है। ठीक है, गुमराह ऐसे करती है। ठीक है, वो 400 रुपए का और 300 रुपए का बेचती है। चलिए ठीक है, देवेंद्र जी आवाज आ रही है मेरी? देवेंद्र जी, हर मुद्दे को हिंदुत्व से जोड़ देना, क्या इसी तरह की राजनीति होती रहेगी भाजपा के अंदर? जब जो मूल मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा होगी, महंगाई का आप बताते नहीं, बेरोजगारी का बताते नहीं, विकास का बताते नहीं, हर मुद्दे को हिंदुत्व से जोड़ देना। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात सुनिए बस। और कठेरिया जी को कहिए कि अपनी बारी का इंतजार करें। हम काफी दिन से प्रयास ये कर रहे हैं कि हमने जो विकास कार्य किया है, या हमने कोविड काल किया है, या कोविड काल के सामने वैश्विक महामारी में जो काम किया है उस पर डिबेट हो, चर्चा हो, लेकिन इनके राशिद अलवी जैसे नेता, कांग्रेस की मानसिकता बता रहा हूँ, अभी ताजा बयान है, उसने जो है संतों को, पुरुषों को और भक्तों को उसने भी राक्षस से उनकी तुलना की थी। अच्छा, और आज अखिलेश ने उसी काम को घी में उसमें डालकर उसको तेज किया। मैं कंगना के बारे में नहीं पूछूंगी आपसे। अभी प्रवेश किया उसने, मैं कंगना के बारे में नहीं पूछूंगी आपसे। चट्टे बट्टे है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं कंगना के बारे में नहीं पूछूंगी आपसे। और इनकी मानसिकता बनी हुई थी देवेंद्र जी, ये पिछले कंगना के बारे में नहीं पूछूंगी आपसे, कंगना रावत के बारे में नहीं पूछूंगी आपसे। इनसे कहो मेरी बात सुने, सुन रहे हैं, मैं इनको अच्छी आवाज में समझा सकता हूँ, मेरी आवाज में दम है, या मिश्रा जी के बाद मेरी आवाज में दम है कि मैं अपनी आवाज को कितनी बुलंदी से रख सकता हूँ। मिश्रा जी को अपने सपोर्ट साथ रखता हूँ हमेशा, काजोल जी, मिश्रा जी को अपने सपोर्ट में लिए हुए। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ कि हम संघर्ष चाहते हैं, कि हम ये विकास की बात करें। अरे आज उत्तर प्रदेश की दशा जो है, अगर आज उत्तर प्रदेश में जिक्र है तो वह कानून राज का है, वो विकास का है। उत्तर प्रदेश में कल और परसों के दिवस में आपने देखा है कि हमें चिंतित करिए, हमें विश्वास किए, ऐसा दुर्भाग्य के दर्शन से हाईवे दिया है पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। जाओ मैं बिहार से लेकर सुखाई विमान उतारने का और उनकी तस्वीरों पर जवाब देने का काम जो चाइना जैसी और पाकिस्तान जैसी छुट भैया शक्तियों को मिटाने की शक्ति का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। गौरव से कहते हैं, गौरवान्वित होते हैं कि आज 30 मेडिकल कॉलेज एक साथ उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं और 60 वर्षों में 2 भी नहीं बन पाए। अरे विकास की बात करती है कांग्रेस हमसे, हमारे विकास का जवाब दीजिए। मैं कहता हूँ 4 घंटे की डिबेट भी कम पड़ जाएगी, कॉपी करेंसी लेकर दीजिए, पूरे विश्व में तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश का जब प्रश्न आता है और कहता है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री है कि जिसकी तारीफ हमें करनी पड़ेगी कोरोना काल में, अरे शर्म आनी चाहिए आपने जन लोगों को। आपके नेता में 600 वैक्सीन शर्म नहीं आई आपको? उस समय अमृत का काम था, कहने लगे बीजेपी की वैक्सीन है इसको मैं नहीं लगाऊंगा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, जवाब जान जाने लगे। देवेंद्र जी जवाब जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, पुत्र ने भी लगवाई। देवेंद्र जी ठीक है, आप लोगों ने गरीब और कमजोर लोगों के साथ जो अन्याय किया है वो आपके सामने है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी आराम से बात, आराम से भी अपनी बात रख सकते हैं, सब सुन रहे हैं। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। त्यागी साहब मत इतना मुस्कुराइए ना, आप भी तो उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं, उसी स्ट्रैटेजी पे चल रहे हैं। जैसे जैसे देवेंद्र साहब किसी जनसभा में संबोधित कर रहे हैं, ठीक है ना, सबका अपना अपना तरीका है, वो
मुखर होकर अपनी बात रख रहे हैं आप, आराम से रख रहे हैं बात तो सब रख रहे हैं, दबाने की कोशिश कर रहे हैं देवेंद्र जी। नहीं ऐसा नहीं है, आवाज किसी की नहीं दबेगी, जनता के लिए बात हो रही है, किसी किसी की पर्सनल बात नहीं हो रही है। मिश्रा जी को पता है कि चुटियों में विधान तोड़ देते हैं और चले ठीक है, मेज और टेबल उनको तोड़ देते हैं हाथ मार मार के। ठीक है ठीक है, त्यागी साहब बोलिए, हमारी मजबूरी है कि अपनी बात को मजबूती से रखें। कटारिया साहब आपके पास लौटूंगी, त्यागी साहब जवाब दीजिए। ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, उत्तर प्रदेश को की दशा और दिशा को तय करेंगे। आप तो एक ही जवाब दे दीजिए कटारिया साहब, कि अखिलेश यादव माफी का मांगेंगे? साधु संत चाहते हैं कि अखिलेश यादव माफी मांगे, जरूरी है। आप तो एक ही सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, शुरू में मैंने यही सवाल पूछा था, आखिर में भी यही सवाल पूछ रही हूँ। एक एक करके मेरे पास समय की कमी है, समय की कमी है, आखिरी आखिरी कमेंट दे दीजिए, आखिरी कमेंट। ठीक है ठीक है कटारिया साहब, आखिरी कमेंट, कटारिया साहब आखिरी कमेंट, आखिरी कमेंट, अखिलेश यादव माफी कब मांगेंगे बताइए, साधु संत पूछ रहा है। अरे उस शब्द की संविच्छेद किसी प्रकार बंद से संविच्छेद, अरे आपके पैनल में संत बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव क्षमा मांगे, जिसके घर में नवरात्र मनाई जाती है, जागरण होता है, नहीं नहीं देना जवाब, नहीं बोलिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, एक ही मिश्रा जी आखिरी कमेंट, ठीक है ठीक है ठीक है, एक एक करके आखिरी आखिरी कमेंट, समय की कमी है, समय की कमी है, माफ कीजिएगा समय की कमी है, आखिरी कमेंट बस। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है त्यागी साहब आखिरी कमेंट, आप भी बोल लीजिए, माफी नहीं मांग पाएंगे लोग, माफी नहीं मांग पाएंगे, सुधार ले, माफी मांगते ही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, समय की कमी है, इनका स्पष्ट मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा, आप चुप हो जाइए, माफी नहीं मांग पाएंगे। मान जी मान जी मान जी, आखिरी कमेंट आपका, बस इस चर्चा को यही खत्म करूंगी मैं, आपके कमेंट के बाद। चिलम चिलम जीवी जो शब्द है वो कहीं डिक्शनरी में नहीं है, और ये राजनीतिक रूप से मान जी जो हो रहा है, ये जो पैनल में हो रहा है, कैसे लगता है कि कोई इस चीज को समझ पा रहा है, इस मुद्दे को समझ पा रहा है, कहीं नहीं है डिक्शनरी में, और इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग संतों के लिए करना अनुचित है, उसके लिए अपने जी को खेद व्यक्त करना चाहिए। ठीक है चले ठीक है ठीक है, मैं आपको यही छोड़ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आप लोगों को यही 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 रोक रही हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो अखिलेश यादव ने बयान दे दिया है, जिससे अखिल भारतीय संत समिति बेहद नाराज है, माफी मांगने के लिए कह रहा है, क्षमा मांगे अखिलेश यादव, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। लेकिन यहाँ पर जो सपा के प्रवक्ता है उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, हम सुना भी चुके हैं कि अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद भी सपा प्रवक्ता ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं है। तो राजनीति हो रही है, राजनीति के इस दौर में बयानबाजियां हो रही हैं, लेकिन बयानबाजी के इस दौर में जो शब्द निकल रहे हैं वो बिल्कुल भी मर्यादित नहीं है, कभी किसी पर पर्सनल टिप्पणी तो कभी चिलमजीवी साधु संतों को बता देना, लेकिन ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के लिए, ये देखना होगा, और उसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। ये जो धुआं में रहते हैं, धुआं में